हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू और लिटल वर्ल्ड आज हम बनाने चाह रहे हैं इस तरीके के वुलन सॉक्स जो कि हम आरिशा के लिए बना रहे हैं और इसमें कोई भी सिलाई आपको पीछे नज़र नहीं आएगी बस डिज़ाइनिंग नज़र आएगी जैसे कि आपने पायल पहन रखी हो तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये सॉक्स बनाने के लिए हमने सिलाई में फंदे डाले हैं फोर्टी फंदे हमने ये डाले हैं क्योंकि आरिशा का पैर काफ़ी पतला है तो उसके लिए फोर्टी फंदे इनफ हैं अगर बच्ची थोड़ी सी हेल्दी हो या फिर आप अपने लिए बना रहे हों तो फिर आप फिफ्टी या फिफ्टी फ़ाइव फंदे भी ले सकते हैं अगर आपकी ऊन पतली है तो यहाँ हमने ये फंदे डाल लिए हैं और अब हम इसकी पहली सिलाई बुनना स्टार्ट करेंगे पहली सिलाई बुनने के लिए जो हमें शुरू के सात फंदे हैं वो उल्टे बनने हैं पहला फंदा हमने उतार लिया है और अब ये दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, छठा सातवां, यानी कि सात फंदे हमें सिर्फ उल्टे ही बुनने हैं और उसके बाद के जो भी फंदे रहेंगे वो सारे हम सीधे बुनेंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो शुरू का है सात फंदे हमने उल्टे बुने हैं ये हम बना रहे हैं बॉर्डर जहाँ पे कि हम ये वाइट कलर के फूल ऐड करेंगे बॉर्डर में जो कि डिज़ाइनिंग है तो इस तरीके से अब हम जो पूरी सिलाई है वो हम प्लेन नॉर्मल अपने सीधे फंदों की बुन लेते हैं और अब हम, हम आ गए हैं सिलाई के एंड में यहाँ पर फिर से हमें सात फंदे उल्टे ही बुनने हैं यानी कि जैसे स्वेटर में हम लोग पहले बॉर्डर बनाते हैं नीचे वैसे नहीं करना है इसमें बॉर्डर दोनों साइड में बनेगा सात फंदे स्टार्टिंग में हमें उल्टे बुनने हैं और सात फंदे सिलाई के एंड होने पे उल्टे बुनने हैं तो इस तरह से ये देखिए हमने अपनी एक सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब हम इसे पलट लेंगे ये हमारी रॉन्ग साइड उल्टी साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है नॉर्मल पूरी जैसे उल्टी साइड बुनी जाती है वैसे ही इसको बुन लेना है उल्टी साइड हमने पूरी इस तरीके से बुनी और अब हम वापस से आ गए हैं सीधी साइड में मगर इसमें वापस से हमें सात फंदे पहले उल्टे बुनने हैं और उसके बाद सीधी सिलाई जैसे बुनी जाती है वैसे ही बुननी है हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप सिलाई स्टार्ट करें तो सात फंदे उल्टे बुने और उसके बाद के सारे फंदे सीधे बुन लें इस तरीके से ये वाली सिलाई हम कम्प्लीट कर लेंगे दोनों तरफ से ये देखिए हमारा लास्ट वाला पार्ट भी आ गया यहाँ पर भी हमें उल्टे फंदे बुनने हैं साथ और अब हम इसको पलट लेंगे तीन सिलाई के बाद जब हमारी चौथी सिलाई आएगी और वो होगी हमारी उल्टी वाली सिलाई इस पे हमें अब डिज़ाइन डालना है ये ध्यान रखें जब आप डिज़ाइन डालें तो रॉन्ग साइड से ही आप नई वाली ऊन को ऐड करें तो यहाँ पर हमने पहले दो फंदे उल्टे बुने हैं रेड वाली ऊन से और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं वाइट वाली ऊन जो कि हम तीन फंदे बुनेंगे वाइट वाली ऊन को ऐड करने के बाद और फिर जो बाकी के सारे फंदे हैं वो हम रेड वाली ऊन से ही उल्टी सिलाई में पूरे बुनते हुए चले जाएंगे बस जब हम लास्ट में पहुंचेंगे सात फंदे वाली जगह पे तो फिर हमें एक और ऊन ऐड करनी रहेगी जो कि वाइट वाली रहेगी यानी कि दो गुल्ले हमारे वाइट ऊन के चलेंगे यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और अब ये हमने एक और गुल्ला ऊन का लगा दिया है वाइट वाले का और तीन फंदे हम वाइट बुन रहे हैं और लास्ट के दो फंदे फिर हम रेड कलर की ऊन से बुन लेंगे अब हम आ गए हैं सीधी साइड में तो इसमें हमें कैसे बुनना है कि जैसे व्हाइट जहाँ पे ऊन है वहाँ पे व्हाइट ही लगाना है और जहां रेड है वहां रेड लगाना है ये देखिए सॉक्स में आपको तीन फंदे नजर आ रहे होंगे एक दो तीन तो यही फंदे हमने स्टार्ट किए हैं अभी बुनने और इसी को अब हम सीधी साइड से बुनेंगे तो यहाँ पर पहले दो फंदे हमारे रेड ऊन से हैं जिनको कि हमें उल्टा बुनना है क्योंकि ये बॉर्डर वाला पार्ट चल रहा है तो दो फंदे हमने उल्टे से बुने उसके बाद रेड वाली ऊन को हमें पीछे कर देना है और पीछे से वाइट वाली ऊन को आगे लाना है और ये तीन फंदे हमें व्हाइट ही बुन लेने हैं वाइट ऊन से और उसके बाद वाइट वाली ऊन को वापस से पीछे करना है और रेड वाली ऊन को आगे ले आना है क्योंकि अब हमें उल्टा बुनना है रेड ऊन से दो फंदे ये दो फंदे हमने बुन लिए अब रेड वाली ऊन को पीछे करके ये पूरी सिलाई हमें सीधी ही निकाल लेनी है एंड तक पहुँचना है जहाँ पर सात फंदे हैं यहाँ पे हमने जहाँ पे ये वाइट वाली ऊन को ऐड किया था इसको आप नॉट लगा के टाइटली फिक्स कर लें ताकि ये खुले नहीं तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरी सिलाई बुननी है और हम एंड तक आ गए एंड में वापस से हमें दो फंदे उल्टे बुनने हैं पहले ये रेड वाली ऊन से उसके बाद रेड वाली ऊन को पीछे कर देना है और पीछे से वाइट वाली ऊन को आगे लेना है और ये तीन फंदे जो नज़र आ रहे हैं इनको भी हमें उल्टा बुन लेना है इस तरीके से और फिर वाइट वाली ऊन को पीछे करना है रेड वाली ऊन को आगे लेके ये दो फंदे जो उल्टे हुए हैं इन्हें भी बुन लेना है तो ये वाला हमारा एक मतलब स्टार्टिंग हो गई है डिजाइन की अब हम आगे अपनी रॉन्ग साइड में रॉन्ग साइड में वापस से अब डिजाइन चेंज होगा तो यानी पहला फंदा जो है वो हमें उल्टा लेना है नॉर्मल उतारना है और दूसरे फंदे को हमें वाइट बुनना है दो फंदे हमें वाइट बुन लिए हैं उसके बाद जो ये बीच का फंदा है वाइट वाला इसको हमें रेड ऊन से बुनना है फिर जो लास्ट का फंदे हैं दो इन्हें हमें फिर से ही वाइट से बुन लेना है यानी एक रेड दो वाइट फिर एक रेड दो वाइट और फिर एक रेड इस तरीके से बुनना है ये डिज़ाइन पड़ा है और आगे की पूरी सिलाई हमें नॉर्मल उल्टी बुन लेनी है एंड में पहुँच गए हम जहाँ पर हमारा बॉर्डर है वहाँ पर भी ये डिज़ाइन हमें डालना है यानी कि एक फंदा हमारा आएगा रेड और उसके बाद दो फंदे आएंगे हमारे वाइट ये देखिए हमारा एक फंदा में रेड ले लिया है और अब हम ये दो फंदे वाइट ले रहे हैं वाइट में से जो बीच वाला फंदा है वाइट का उसको हमें रेड बना देना है तीन वाइट लिए थे तो उसमें से जो बीच वाला है ना उसको रेड बनाना है और जो आगे के हैं उनको हमें वाइट बना लेने हैं दो फंदे और लास्ट का एक फंदा बचेगा जिसको कि हमें रेड बुन लेना है तो ये डिज़ाइन का मिडिल पार्ट आ गया है मिडिल में इस तरीके का डिज़ाइन आता गया अब हम आ गए अपने राइट साइड में और राइट साइड में वही है जहाँ पर वाइट है वाइट से बुनना है और रेड में रेड से बुनना है तो ये राइट साइड में अब हमें बुनना है अब तो पहला फंदा तो हम उतार ही रहे हैं ताकि एक अच्छे से चेन आती रहे साइड में और उसके बाद पीछे से हम वाइट वाले ऊन को लेंगे आगे की साइड में और इसके दोनों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे वाइट से ही और फिर वाइट वाले ऊन को बैक में कर देंगे और रेड वाले ऊन को आगे ला के रेड फंदे को बुनेंगे इसके बाद रेड वाले फंदे की ऊन को भी हम पीछे कर देंगे और वाइट वाले ऊन को आगे ला के इससे हम ये दो फंदे जो वाइट वाले हैं ये बुन लेंगे तो इस तरीके से ये हमारा आधा फूल कंप्लीट हो रहा है देखिए और फिर हमने रेड वाली उनको आगे लिया एक फंदा बाकी था उल्टा वो बुना और अब हम उनको पीछे की तरफ करके पूरी जो सीधी सिलाई है वो निकालनी है देखिए सेवन फंदे नज़र आ रहे हैं तो आप गिन भी, तो भी रहे हैं तो आपका डिज़ाइन भी ठीक पड़ता रहेगा अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं इस तरीके से तो आप इसमें नौ फंदे ले सकते हैं दस फंदे ले सकते हैं बॉर्डर के लिए बच्ची के लिए हैं जो पतला ही मोज़ा बन रहा है तो इसलिए हमने सात सात फंदे दोनों साइड में रखे हैं अगर आप बड़े के लिए मोज़ा बना रहे हैं और डिज़ाइन डालना चाह रहे हैं तो आप बॉर्डर के लिए ज़्यादा फंदे ले सकते हैं और उसमें मिडिल में करके इस तरीके का डिज़ाइन आप आराम से डाल सकते हैं तो ये लास्ट वाला पार्ट मैं चल रहा है बॉर्डर सामने वाला उसमें भी इसी तरीके से बुनना है जैसे हमने आपको बताया है ये बुनने के बाद फिर से हम अपना डिज़ाइन को उल्टी सिलाई पे चेंज करेंगे तो ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई और अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड में रॉन्ग साइड में अब हमें बुनना है तीन फंदे बीच में वाइट जैसे कि हमने स्टार्टिंग में तीन फंदे वाइट बुने थे वही हमें बुनना है तो शुरू के दो फंदे हम रेड कलर की ऊन से बुनेंगे एक हमने उतार लिया है दूसरा हमने बुना है और अब ये तीन फंदे हमें लेने हैं वाइट कलर की ऊन से ये देखिए एक और ये बीच कलर रेड है इसको वाइट बनाएंगे और लास्ट वाला जो एक और वाइट रहेगा इसको भी हम वाइट बुनेंगे और अब हम रेड वाले उनसे बुन लेंगे यानी स्टार्टिंग में जैसे तीन फंदे बीच में हमने वाइट के लिए थे वही अब फूल को एंड करते हुए तीन फंदे बीच में वाइट के लेंगे और इस तरह से हमारा फूल कंप्लीट हो गया इसी तरीके से हम एंड तक तो पहुंच जाएंगे और एंड वाले बॉर्डर में भी सेम ही पैटर्न यूज़ करते हुए इस तरीके का डिज़ाइन को चेंज कर देंगे पहला फंदा हमने रेड लिया है दूसरा फंदा भी हमें वाइट लेना है और तीसरा फंदा वाइट लेना है और एक और इस तरीके से तीन फंदे हमारे वाइट आ गए और अब हमें जो लास्ट के दो फंदे हैं ये रेड बुन लेने हैं तो ये हमारा हो गया यहाँ तक पैटर्न अब इसको हम सीधी साइड से बुनेंगे तो ये देखिए हमारा फ्लावर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है अभी सीधी साइड में दो फंदे हमें उल्टे बुन लेने हैं रेड वाली ऊन के और उसके बाद रेड वाली ऊन को पीछे की साइड कर देना है वाइट वाली ऊन को आगे लेना है और वापस से तीन उल्टे फंदे बुन लेने हैं ये देखिए एक दो और तीन अब ये तीन फंदे हमने व्हाइट से बुने इनको पीछे कर देंगे वाइट वाले उनको, रेड वाले उनको आगे ले आएंगे, और फिर से हमें दो फंदे उल्टे बुनने हैं और उनको हम करेंगे पीछे की तरफ और फिर ये पूरी सिलाई रेड ऊन से ही हमें सीधी बुन लेनी है सेम इसी मेथड से इधर भी कर लेना है तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी इजी है ये फ्लावर बस एक बार आपको फंदों का आइडिया हो जाए कि कौन से फंदे वाइट लेने हैं और कौन से रेड लेने हैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉरी है क्योंकि वो वीडियो में से हट गया हाथ और नज़र नहीं आ रहा मगर सेम ही जैसे पहले हमने फ्लावर बनाया है वैसे ही फ्लावर बना रहे हैं उसी तरीके से फंदा लिया है तो ये देखिए हमारा फ्लावर कम्प्लीट हो गया है और अब हम इसको रॉन्ग साइड से पूरा का पूरा अब हम रेड बुनेंगे अब हम कहीं पे भी वाइट को ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि बीच में हम दो लाइन का स्पेस दे रहे हैं रेड का और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्लावर स्टार्ट होगा तो हमने उल्टी सिलाई पूरी ऐसे ही उतार ली है और अब हमारी सीधी सिलाई है जो कि हम वापस से शुरू के साथ फंदे उल्टे बुन के पूरे सीधे उतार देंगे फंदे सिलाई में ये देखिए हमने बुन लिया है अब हम आ गए वापस से अपनी रॉन्ग साइड में यहाँ पे अगेन हम दूसरा फ्लावर स्टार्ट कर देंगे वही प्रोसीजर है दो फंदे पहले हम रेड बुनेंगे उल्टे और फिर ये तीन फंदे हम व्हाइट ऊन से बुन लेंगे तो ये नीचे वाली व्हाइट ऊन को ही ऊपर लगा लेना है और इस तरीके से तीन फंदे व्हाइट बुन के और पूरी सिलाई हमें रेड से बुन लेनी है और जैसे कि अभी हमने सिखाया है आपको पूरा फूल बुनना बस इसी तरीके से आप जितना भी चाहें आगे तक बुनते हुए चले जाएँ फूलों को डालते हुए तो ये करते हुए देखिए हमने इतना बुन लिए हैं सारे फूल डल गए हैं ये काफ़ी सारे और ये जो हमारा पहले से एक बुटी बनी हुई है इसमें गिन लेते हैं कितने हैं ये यहाँ पर हैं हमारे पास आठ फूल और हमने बनाए हैं अभी सेवन फूल तो इसका मतलब है कि अभी एक फूल और बनाना है अब मेज़रमेंट के लिए आप जिसके पैर का भी आप सॉक्स बना रहे हैं उसका इस तरीके से अंगूठे की तरफ से मेजरमेंट करने के अंगूठे तक आपको बुनना है आपका सॉक्स यानी जब अंगूठे का आ जाए यहाँ तक तब आपको ये बुनाई रोक देनी है तो हमने एक फूल और बना लिया है और अभी अंगूठे तक कंप्लीट हो गया है तो यहाँ तक बस डिज़ाइनिंग का काम ख़त्म हो गया तो हम ये वाइट वाली ऊन को कट कर दे रहे हैं और अब सिर्फ रेड वाली ऊन का काम है तो अब ये देखिए हमने लेफ्ट वाले सॉक्स को बना रखा है तो यानी कि हमने लास्ट में जो फोर्टीन फंदे लेके ये वाला टो तो बनाया था यानी कि जो अंगूठा है ये लास्ट में बनाया था और अब हम राइट पैर का बना रहे हैं तो हम शुरू के चौदह फंदे लेकर यहाँ पर अंगूठा बनाएंगे अगर आप किसी बड़े का बनाएंगे तो आप अट्ठारह फंदे ले सकते हैं वो परफेक्ट साइज़ बैठेगा या फिर हेल्दी बच्ची है तो भी आप सोलह फंदे ले लें तो भी सही बैठेगा बहुत ज़्यादा लूज़ लेंगे तो वो निकलता रहता है पैर में से क्योंकि पिछली बार आरिशा का सॉक्स निकल रहा था पैर में से क्योंकि वो थोड़ा सा लूज़ रह गया था तो थोड़ा सा ये फिक्स होने चाहिए क्योंकि ऊन भी स्ट्रेचेबल होती है खिंचती है पहनने में तो इसलिए हमने यहाँ पर से फोटीन फंदे लिए हैं देखिए गिन लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी कि फोर्टीन फंदे हमने ले लिए हैं अब आगे का पोर्शन हमें नहीं बुनना है यही वाले फोर्टीन फंदों को हमें बार बार बुनना है इन्हीं दोनों सिलाइयों से पहला फंदा हमने उतार लिया है और सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा हमें इस तरीके से बुनते चले जाना है सिलाइयाँ कितनी बुननी है ये हम बुनेंगे फोर्टीन सिलाइयाँ अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप एटीन सिलाइयाँ बुन सकते हैं और यहाँ पे तो बच्ची का है तो इसमें 14 फोटीन सिलाइयाँ ऊपर तक बुनते हुए आ गए ये देखिए फोर्टीन हमारी सिलाइयाँ हो गई हैं काउंट कर लें आप यहाँ से यहाँ से कट आया है यहाँ से कट आया यहाँ से ही काउंट करना है आपको कि 14 सिलाइयाँ हो जाएँ अब क्या करना है यहाँ पर हम ऊन को कर देंगे कट और इसको ऐड कर देंगे एक सुई में तो सुई में हमने ये ऊन डाल ली है और उसके बाद जितने भी फंदे हैं ये सारे हमें सुई में ले लेने हैं ये हम बहुत ही इजी मेथड बता रहे हैं आपको बनाने का ताकि फंदे घटाने बढ़ाने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है मगर इस तरीके से बस हमने सिर्फ सुई में सारे फंदे ले लिए हैं ये देखिए और सुई को हम धीरे से इस तरीके से खींचेंगे मगर एक बार में ये नहीं होगा तो फिर हम दोबारा इस तरीके से घुमा के इसको सुई को एक बार और इन्हीं फंदों में से निकालेंगे इस तरह से डालते हुए पूरा ध्यान से निकालें कि एक भी फंदा रहे नहीं और फिर हम इसको खींचेंगे जब आप इसको खींचेंगे तो ये देखिए अपने आप पूरा फंदे सारे टाइटली बंद हो जाएंगे और आगे अंगूठे का शेप हमारा बन जाएगा अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देते हैं जैसे नॉर्मल हम स्वेटर को सिलते हैं वैसे ही इधर से फंदे लेते हुए और दूसरे सामने वाला फंदा लेते हुए सिलाई लगानी है इसको जहाँ तक पूरा अंगूठा है बस वहाँ तक हमें इसको सिल लेना है तो ये देखिए हमने यहाँ तक इसको सिल लिया है अब इसे सीधा करके दिखा देते हैं ये हो गया सीधा अब हमें बनाना है पंजे वाला पोर्शन अब हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे इसके लिए हम वापस से यहाँ पर ऊन को ऐड कर लेंगे और ये वाले फंदों को बुनना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम पहले ये ऊन को ऐड कर लेते हैं और पहला फंदा हम उतारेंगे उसके बाद पूरी सिलाई जैसे कि सीधी सिलाई है तो ये सीधी सिलाई पूरी बुनते हुए चले जाना है आगे तक इसमें भी फोर्टीन सिलाइयों तक बुनना है मगर हम अभी छः सिलाइयाँ बुनेंगे छः सिलाइयों के बाद इसमें फंदे घटने स्टार्ट होंगे तो छः सिलाइयाँ आप बुन लें ये हमने छः सिलाइयाँ बुन ली हैं अब इसके बाद हम यहाँ पे बीच में फंदे घटाएँगे क्योंकि थोड़ा सा पंजे वाला शेप देना है ना इस वजह से तो अब इसके फंदे हमने गिन लिए हैं ये हैं 26 फंदे और उसके आधा होता है 13 फंदे तो हम पहले 13 फंदे एक सिलाई में ले ले रहे हैं बुनते हुए आ जाएंगे हम आधे फंदे तेरह फंदे हम एक सिलाई में लेने के बाद फिर हम फंदों को घटाएँगे तो यहाँ पर हमने तेरह फंदे बुन लिए हैं और उसके बाद हम ये दो फंदों को एक साथ लेते हुए बुनेंगे तो ये देखिए हमारा एक फंदा घट गया है और आगे के सारे फंदे हमें नॉर्मली बुनते हुए आगे चले जाना है अब हमें कुछ नहीं करना और उसकी रॉन्ग साइड भी हमें पूरी बुन लेनी है उसमें भी हमें ना ही तो कुछ घटाना है और ना ही कुछ बढ़ाना है तो रॉन्ग साइड भी हम बुन लेते हैं और उसके बाद वापस से हम राइट साइड में आ जाएंगे ये हमारी राइट साइड आ गई है यहाँ पर हमारा एक फंदा घटा हुआ यहाँ बीच में नज़र आ रहा होगा आपको अब हम वापस से बुनना स्टार्ट करेंगे पहले हमने तेरह फंदे बुने थे अब हम बुनेंगे बारह फंदे और उसके बाद फिर हम एक फंदा घटाएंगे दो फंदे एक साथ बुनकर जैसे कि अभी पहले किया है तो इसी तरीके से हमें हर सिलाई पर करना है एक एक फंदा घटाना है और एक एक फंदा कम बुनते हुए आना है तो यहाँ पर हमने 12 फंदे बुने हैं और उसके बाद ये दो फंदों को हम एक साथ ले रहे हैं और अब हम इनको यहाँ पर एक साथ बुन लेंगे थोड़ा सा टाइट होते हैं तो दोनों को एक साथ डालें और इस तरीके से बुन लें उसके बाद आगे के जितने फंदे हैं नॉर्मल बुनना है और फिर जो इसकी रॉन्ग साइड है उसको भी नॉर्मली बुन लेना है तो ये भी हमने बुन लिया अब हमारे पास ये देखिए थोड़ा सा फंदे घटने से एक शेप सा आता जा रहा है ये जो तो साइड में छोटी उंगली वाली जगह होती है ना वहाँ का शेप देने के लिए ये हम फंदे घटा रहे हैं यहाँ पर ताकि ये कोना सा खड़ा ना हो जब आप सॉक्स पहनें तो इस तरीके से अब की बार जब हम बुनेंगे तो अब हम ग्यारह फंदे बुनते हुए आएंगे और फिर एक फंदे को घटा देंगे इसी तरह से हर सीधी सिलाई पे फंदे घटाते जाना है और फिर हमें काउंट कर लेना है जैसे कि हमने चौदह सिलाइयाँ अंगूठे के लिए बुनी थी वैसे ही इसमें पंजे में भी हमें चौदह सिलाइयाँ ही बुननी है और उतने ही तीन से चार फंदे ही बस घटेंगे तो आप घटा लें इतने फंदे और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक शेप भी मिल गया है हमें अब हम इसको काउंट कर ले रहे हैं जितने भी फंदे रहेंगे उसके आधे फंदे हमें एक सिलाई में बुन लेने हैं जितने भी फंदे आपके बचे हैं उसके आप आधे ले लें एक सिलाई में यहाँ पर हम ले ले रहे हैं आधे फंदे ये बुनते हुए ही जाने हैं और उसके बाद हम इसको बंद करेंगे बंद करने के लिए हम इसको उल्टा कर ले रहे हैं इस तरीके से उल्टी साइड से दोनों सिलाइयों को एक साथ पकड़ लेना है और उसके बाद काउंट कर लेना है फंदों को कि सेम हो दोनों सिलाईों में फंदे जितने इधर हों उतने ही उस साइड में भी हों तो ये हमने फंदों को इस तरह से पकड़ा है अब हम लेंगे एक दूसरी सिलाई जिससे कि हम इनको बंद करेंगे आप चाहें तो सुई से भी बंद कर सकते हैं यहाँ पर हम सिलाई से बंद कर रहे हैं ताकि आप एक और मेथड भी सीख जाएं फंदों को बंद करने का तो यहाँ पर देखिए ये दो फंदों में एक साथ हमने सिलाई डाली है और दोनों को इस तरह से उतार दिया है और फिर ये देखिए पहला फंदे में डाली और पीछे वाले फंदे में भी सिलाई को इस तरह से डालना है और इनको बुनना है ये देखिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है दो सिलाइयों में मगर हाँ बुनना है इनको इस तरीके से तो ये और पीछे वाली सिलाई और आगे वाली सिलाई दोनों से फंदा उतार देना है फिर ये पीछे वाले फंदे को इस तरीके से लेना है और इसके ऊपर से उतार देना है तो ये हमारे फंदे इस तरीके से बंद होते जाएंगे बिना सुई के मदद के हम सिलाई से ही इसको बंद कर रहे हैं डायरेक्टली देखिए आगे वाले का भी उतार देते हैं सिलाई का और पीछे का भी फिर ये जो तो पीछे वाला फंदा है इसको ऐसे सिलाई से पकड़ेंगे थोड़ा सा टाइटली होता है तो पकड़ के इस तरीके खींच के ऊपर से उतार देंगे फिर हमारे पास एक फंदा रह गया तो फिर हमें दोबारा इस तरीके से बुनना है और वापस से पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को उतार देना है तो ये हमारा जितना भी खुला हुआ पार्ट है ये बंद हो जाएगा ये स्टिच हो जाएगा अपने आप ही तो ये देखिए हम एंड तक पहुंच गए हैं और यहाँ पर लास्ट वाला फंदा चल रहा है तो इसको भी हमने बंद कर दिया ये हमारा पंजा वाला पोर्शन भी हो गया है अब हम उनको कट कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम इसको इसमें से फंदे में से निकाल के सुई में डाल लेंगे और फिर हम अपने पंजे वाले पार्ट को सुई से बंद कर लेंगे तो जहाँ तक ये अंगूठा आ रहा है वहाँ तक हमें स्टिच करना है पहले ये देखिए हम रख के दिखाया अब इसको यहाँ तक पहले हम स्टिच कर लेते हैं सिर्फ पंजे वाले पार्ट को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे नॉर्मल जैसे हम लोग स्वेटर में स्टिचिंग करते हैं वही स्टिचिंग है दोनों फंदों को पकड़ते हैं साइड से और इसको स्टिच करते हुए आ जाना है जब आप अंगूठे वाली जगह पे पहुंचेंगे तब आप अंगूठे वाले पार्ट को भी लेना है साथ में और फिर उसको भी स्टिच करना है यहाँ पर ये देखिए इस तरह से लेना है ताकि इन दोनों को मिला के यहाँ पर स्टिच कर लें और ये जो वाइट धागे नज़र आ रहे हैं इनको एक दूसरे में टाइप कर दें ताकि ये खुले नहीं ये यहीं पे टाई अप हो जाएंगे आराम से क्योंकि हमारी डिज़ाइनिंग यहीं पे ख़त्म हुई थी उसके बाद जितना आपको पंजे को बंद करना है उतना आप यहाँ पे बंद कर दें सिलाई करते हुए आ जाएं यहाँ तक और पीछे का भी हमें फिर स्टिच करेंगे तो पीछे में जैसे हमने फंदे डाले थे ना तो वही फंदो वाली ऊन हमारी है उसको हमने सुई में डाल लिया है और पीछे हम यहाँ पर इसमें भी एक सिलाई लगा देंगे जैसे हम स्वेटर सिलते हैं उसी तरीके से दोनों को पकड़ के साइड से सिल लिया है और ये हमारा सॉक्स बनकर तैयार हो गया बहुत ही आराम से बहुत ही ईजिली बन गया है ये देखिए दोनों सॉक्स हमारे बन गए हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं आर्शक को भी बहुत पसंद आए आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो सॉक्स बनने का मेथड अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो बेल बटन दिया है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और भी नए नए वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे घर को डेकोरेट करने के और डी और बहुत सारे कुकिंग से रिलेटेड गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में हैव अ नाइस डे बाय फ्रेंड